ये जो बूट्स मेरे हाथ में है, क्या ये बेस्ट बजट राइडिंग बूट्स है? What's up guys and welcome to my channel. तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग के ओराज़ो के बूट्स के ऊपर होने वाला है एंड बहुत फेमस यूट्यूबर्स ने इसको रिव्यू किया है बट मेरे तरफ से मुझको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना था इसके ऊपर. अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स ये बहुत प्यारा लगता है एंड काफ़ी प्रीमियम लगता है. स्पेशली अगर आप देखिएगा कि इसके स्टिचिंग का क्वालिटी कितना अच्छा है एंड जिस तरीके से लेदर और फैब्रिक के बीच में ब्लेंड किया गया है, दैट्स अमेजिंग. तो स्टार्टिंग विद द राइड, मैं इसको कल राइड पे लेकर गया था. ये आई थिंक सो दो दिन हुए आए हुए एंड राइडिंग में मुझको थोड़ा सा इशू हुआ था क्योंकि ये जो बूट्स है उसमें आपको 1.5 सेंटीमीटर्स का हील मिलता है एंड मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि मेरा जो शू साइज़ है वो 12 है. मुझे हल्का सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैं लोकेट नहीं कर पा रहा था गेयर का पोजीशन कहाँ पे, एंड दैट इज़ बिकॉज इसमें आपको स्टील टो मिलता है विच इज़ इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप मोटरसाइकिल पे देखे, आप राइडिंग पे देखेगा तो स्टील टो जो बूट्स में दिए जाते हैं देयर मोस्टली फॉर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड मेजरली फॉर कंस्ट्रक्टिंग. बस यही एक जगह था जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ था एंड बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसका वेंटिलेशन कैसा है. द ट्रूथ इज़ कि आप अगर कोई भी वाटरप्रूफ, ये वाटर रेजिस्टेंट है बट अगर आप इस एरिया में घुसते हैं तो वेंटिलेशन थोड़ा कम ही रहता है फॉर ऑब्वियस रीजंस कि आपके जो जूता है उसके अंदर पानी एंटर ना करे. यही दो इश्यूज़ हैं इसके साथ जो आप फेस कर सकते हैं. बट रिमेंबर ये जो ये 12 इंचेस के हैं विच इज़ इक्वल टू अ फुट एंड ये इतने सस्ते प्राइस में, दिस इज़ ओनली फॉर 5000 रुपीज़ एंड अगर आप किसी सेल के टाइम पे ले लें तो दैट्स 4500. अगर आपको ये वाले नहीं लेने और छोटे वाले लेने हैं वो आपको 3500 के आ जाते हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग ये जो जूते हैं बजट के लिए बेस्ट है. जब आप टूर कर रहे होते हैं तो आप टेक्निकली 8 से बहुत लोग 12 घंटे भी चलाते हैं लगातार एज इन ब्रेक लेके बट चलते रहते हैं. सो उसमें क्या होता है कि आपके पैर से स्वेट निकलता है एंड बहुत लोग ये बात नहीं करते हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, एथलीट फुट हो सकता है. सो इसके अंदर में यू गेट अ एंटी फंगल सॉक्स तो वो आपको हेल्प करेगा थोड़ा. प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको 3 बेसिक प्रोटेक्शन मिलते हैं. ये आपको शिन एरिया मिलता है प्रोटेक्शन के लिए, स्टील टू मिलता है और एक एंकल प्रोटेक्शन मिलता है ये एरिया में. कुछ प्लास्टिक या फिर कुछ नहीं है बट एंकल प्रोटेक्शन के लिए इन लोग ने वहाँ का फैब्रिक और एक रबर लाइनिंग उसको थोड़ा थिक कर दिया. इसके पीछे में जो रिफ्लेक्टर दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एंड मैं आपको एक अभी शॉट दिखा रहा हूँ. ये इसमें मैं चला रहा था एंड पीछे से इसका विजिबिलिटी बहुत अच्छे से आता है एंड विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हैं. मैंने जो ये वाला है, दिस इज़ कॉल्ड आइबिस और इबिस, ये मैंने इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि इसका जो शिन प्रोटेक्शन रहता है, बहुत बार आप जब रोड पर जा रहे होते हैं तो छोटे छोटे पत्थर आपको लगते हैं एंड रेयर केसेस होता है बट आपको शायद बड़ा पत्थर भी लग जाए. सो दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है बट इट विल, जो आपका इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा. ये वाला जो है दिस इज़ ब्लैक ऑन ग्रे एंड इसके आपको एक और वेरिएंट मिलता है सेम ब्लैक में ही, वो ब्लैक और ऑरेंज रहता है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा. सो आई पुट अप अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा आईडी है. अगर आपको इस जूते से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं और आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं. ऑल्सो अगर मैं बोल ही रहा हूँ तो डू सब्सक्राइब गाइस. अगर इसके साइजेस की अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो इसके साइजेस आपको मिल जाते हैं 5 से लेके 13 एंड वो बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि 13 के ऊपर मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ जिसका फुट साइज रहता है. ये जो बूट्स है ये यूनिसेक्स है एंड बहुत अच्छी बात है वो. इसका जो कलर है उससे मुझको एक इशू हो रहा था, ये जो इसका ब्रांडिंग है बहुत लाउड है. सो उसका कोई मतलब मेरा पर्सनल इशू है, मुझको नहीं अच्छा लगता ब्लैक पे येलो बट आई विल यूज़ अ परमानेंट मार्कर एंड जस्ट ब्लैक इट आउट. अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए आपको 2 और कलर मिलता है, एक टैन मिलता है और एक ब्राउन मिलता है लेदर टाइप्स. मैं आपको दोनों के फोटो अभी दिखा देता हूँ. सो मेन रीज़न मेरा ये था इसको खरीदने का कि आई रियली लव ब्लैक, बस उतना ही है.
अगर इसका आप सोल देखिएगा तो एक हेरिंगबोन पैटर्न टाइप का है, और आई एम प्रेटी श्योर ये अगर आप ट्रैक पे जा रहे होंगे तब बहुत अच्छे से होल्ड करेगा, क्योंकि हेरिंगबोन पैटर्न बेसिकली जो जिगजैग पैटर्न होता है उसको हेरिंगबोन कहते हैं। एंड मेरे बास्केटबॉल शूज़ जितने में ख़रीदता था ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता था कि उसमें किस टाइप का ट्रैक्शन पैटर्न है। सो अगर मैं इसका बिल्ड क्वालिटी का बात करूँ तो आई डोंट सी, मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, एंड कहीं पर भी ग्लू रेसिड्यू नहीं है। ओपनिंग भी इसका बहुत आसान है, आप इसको बस अपना पैर स्लाइड इन कीजिए और इसमें तीन स्टेप्स रहते हैं उसको लॉक कर लीजिए। यहाँ से जो एरिया इसका स्टार्ट होता है दैट्स कंप्लीट फैब्रिक, एंड बहुत सोच समझ के ये लोग दिए हैं क्योंकि ये वाला एरिया जो रहता है ये आपका बहुत बेंड करता है अगर आप बैठे भी हुए हैं। सो यहाँ तक आपको अच्छा सा लेदर प्रोटेक्शन मिलता है, एंड हम लोग सबको पता है कि लेदर एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है फैब्रिक से काफ़ी ज़्यादा, सो पीपल टेंड टू यूज़ दैट। बहुत बार आप ग्लव्स में भी देखते होंगे कि ऑल लेदर ग्लव्स है, दैट्स द रीज़न। इसका अगर मैं वेलक्रो की बात करूँ तो थोड़े पतले हैं, बट दे विल आस्क यू, देखो 2-3 साल आराम से ही चल जाएंगे। जब आपका जूते का ट्रैक्शन पैटर्न खत्म हो जाता है वो एक बहुत अच्छा साइन रहता है कि आप अपना जूता चेंज कर लो। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग ट्रिप्स पर जाना शुरू कर देंगे, एंड उसमें इसका प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगा। सो आई ऑल्सो बी अपलोडिंग लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। इन माई व्यू दिस इज़ द बेस्ट राइडिंग बूट्स अंडर 5,000। अगर आप उसके ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं, एंड मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा फ्रॉम 5,000 टू 20,000 30,000 के रेंज का। इस प्रोडक्ट के लिए इट्स अ थम्स अप, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत वेल बिल्ट है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके पैर का प्रोटेक्शन, ये उसको मीट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लीव अ लाइक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।